तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद इसरार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रैपिड रिएक्शन। तो आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान को छूता है। मतलब कि वो ऐसा सिंगर है कि जिसकी एंट्री की फीस जीरो है, लेकिन उससे एग्जिट, उससे निकलने की फीस 1 लाख के बराबर है। या जितने भी आपकी जेब में पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आप सब देंगे तो उससे जान खलासी होगी। इस बंदे से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज गला थोड़ा खराब है, लेकिन मसला कोई नहीं। जिस बंदे से आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसका गला सुन के तो आप मुझे भी कहेंगे क्या बात है लोंडे तेरी। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन पीटीए सिंगर की। अगर यार इस सिंगर का कोक स्टूडियो को पता लग जाए तो कोक स्टूडियो वाले इसको पहली फुर्सत में ही गोली मार के मार देंगे। कि इस तरह का सिंगर ना कभी पहले आया है, ना कभी आएगा, और ना कभी आने वाले ख्यालों में भी इसको सोचा जा सकता है, क्योंकि इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि भाई जान आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबकी दुकान बंद कर देगा। इसलिए इस बंदे को पहली फुर्सत में ही गोली मार के मार देना चाहिए। भाई जान, इस सिंगर का सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊँ, फिर उसके बाद इसकी आपको मुनफरिद सी आवाज भी सुनाऊंगा। इसका नाम है चाहत फतेह अली खान। तो अगर आपने इसका नाम सुना है तो अपने कानों को हाथ नहीं लगाया, तो भाई जान लगा लें, कहीं बेहद भी ना हो जाए। Hey, y'all come look at this. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है। तो भाई जान, मेरा एक ख्याल है, मेरा एक मानना है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वैसे तो ये बंदा यूके में रहता है, चाहत फतेह अली खान, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना, इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है, मेरा एक ख्याल है, मेरी एक आइडिया है कि भाई जान इस बंदे का टैलेंट को छुपा ही रहना चाहिए इस तरह। बाकी अभी तो मैंने ये आपको एक डेमो दिखाया, अभी आगे इसकी वीडियोज पड़ी हुई है, आपको मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ। भाई जान क्या ही बात है, क्या आवाज है, क्या सुर है, क्या बात है जी, क्या बात है। अनित खैर सोने ने तेरी जबान कोई होर मंगी दी। अनित वो यार बाकी हद होती है यार, मतलब क्या ही बात है यार। साथ वाले जो दांत दे रहे हैं वो भी क्या ही बात है। जो इसके सामने जो मिर्ची लगी हुई है ना, मेरे ख्याल से इस बंदे ने मिर्ची जो है ना वो गलत जगह पे लगा ली है। इसको दी थी किसी चीज़ पर लगाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन इसने लगा लिया किसी गलत जगह पे, जो इसकी इस तरह की सुरें निकल रही हैं। सरगम होती है, मैं एक नई चीज के बीच में जी लेके आ रहा हूं। अरे बेपे इतने से बाकी इसका जो ब्राइट फ्यूचर की तरह एक टकला चमक रहा है, इसका टकला इस तरह नहीं चमका भाईजान। इसने इस कदर मेहनत की है, इस कदर इसने रिहर्सल की है ना, जिस वजह से इसका टकला चमक रहा है। तो पहले तो उसके बाल अच्छे भले होते थे, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ भाईजान, जब वक्त जज्बात यकदम से बदल दिए इस बंदे ने। जाती चाहत प्यार अगर हो जाए। बाकी यार इसकी मैंने वीडियो देख के इंसानियत के नाते ना मैंने एक बात सोची, मैंने कहा यार इसके ना मैं मेंटलिज्म का इलाज करवाता हूँ। मैंने जाके जनरल डॉक्टर से बात की तो उसने कहा कि भाई जान इसके लिए मैंने एक कैप्सूल बनाया है। मैंने कहा कौन सा कैप्सूल है? कहते हैं जी चाहत साहब को आपने कैप्सूल देना है ना दूध से ना पानी से, इसमें कैप्सूल लेना है हौसले से। बाकी यार गुजरते वक्त के साथ हर आने वाले दिन के अंदर एक ना एक इस तरह की एक बोंगी उठती है, जैसे कि पिछले दिनों में एक अख्तर लावे के नाम की एक बोंगी उठी हुई थी, अब चाहत के नाम की एक बोंगी आ गई है। और हमारे टीवी शोज भी ऐसे हैं कि वो भी बस इस तरह के बंदे ढूंढते हैं, उनको लेके आए और अपने शो की रेटिंग बढ़ाए। अब मैं आपको एक शो भी दिखाता हूँ। बाकी ये मैं सोच रहा था कि शायद ये टीवी के ऊपर आके ये खच ना मारे और शायद ये बदल जाए। नहीं बदला। बाकी जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त PSL मैच चल रहे हैं, तो PSL के मैच को मद्देनजर रखते हुए इस चाहत फतेह अली खान साहब ने भी एक गाना बनाया है। क्या ही बात है, आतिफ असलम और जफर अली खान को ये बंदा पीछे छोड़ गया है। लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपरली एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरे गाने की बात करेंगे, किस तरह के उसके अल्फाज हैं और हर टीम के ऊपर इस बंदे ने गाना लिखा है। अब बात करते हैं इसकी कुछ और वीडियोज की। छोटा जे प्यारा जे।
बाकी यार मेरी यह बात माने, जिस भी बंदे या बंदी के पास इसका दिल है, इसके दिल को इसको वापस ना दो, बल्कि उसको आग लगा दो, जला दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे जो आने वाले आगे बच्चे हैं, हमारे जो आने वाला अगर फ्यूचर है वो देखेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे, हमारे जो परवरिश हैं, हमारे जो पिछले लोग हैं वो क्या करते रहे हैं, भजन क्या ही बात है। या फिर गवर्नमेंट के आगे मेरी एक अपील है कि कुछ आपको मैं करेक्टर बताता हूँ, जैसे कि अख्तर लावा हो गया, एलेक्स भट्टी हो गया, नदीम नानी वाला हो गया, यहीं और उसके बाद डोली फैशन हो गया, और अब लास्ट पे आ गया चाहत फतेह अली खान। इस तरह के जितने भी करेक्टर आपके जहन में आ रहे हैं, इनके लिए अलग से एक सिटी बना दें, इनके देश बना दें, कुछ भी बना दें, और भाईजान उसको लॉक कर दें, इनके हाथ में एक मोबाइल थमा दें, उनको भाईजान आप अपनी दुनिया यहाँ पे कायम रखो। हम ये तो कह सकते हैं भाईजान ये अलग मखलूक है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। बाकी फिर अब बात आ गई यार PSL गाना जो चाहत फतेह अली खान ने गाया है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें, इसके ऊपर 1000 अगर आप लाइक कर देंगे तो 1, 2, 3 हाँ कल ही आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी। जितनी जल्दी इसके 1000 लाइक होंगे तो हम उसी वक्त इसके ऊपर PSL की पूरी वीडियो बना देंगे। और यार आप सब्सक्राइब कर दो यार, 1000 सब्सक्राइब पूरी कर दो भाजी, की गल है यार, मसला की है तो हम सब्सक्राइब नहीं कर दे। आओ यार, जुत्ती मारो, पैर मारो, मुक्का मारो, ठुड्डा मारो, जो मर्जी मारो, भाजी सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साहब को जाते दीजिए, अल्लाह हाफिज़।